अच्छा हमने जब जवाब दिया तो वो बोल कर रहा था, अरे हमने हमने जवाब में आपने तीन अवस्था दिखाई, तीन अवस्था दिखाई, जवानी बुढ़ापा और उसके बाद ये आपने दिखाया, तो हमने दिखाया एक से तीन शक्ति और तीन से एक शक्ति, ये जवाब नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, हाजमा की गोली खाओ, मतलब तेरा माल मेरा माल मेरा माल है, काफी जाता चुनाव चिन्ह छाता। कुछ न कहो छोड़ो है, तो आप चलो हेलो चलो 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 ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, कुछ संकेत कर दिया है हमने, थोड़ा सा संकेत किया है, क्या अगर दिमाग हो तो समझ लेना, दिमाग तो इधर उधर है, दिमाग का अब एक खंड गीत आया, कौन सा के रोए यशोदा मैया कन्हैया रूठ गया, रोए यशोदा मैया ये धुन आपने बताई है, चलिए ठीक है, आपने जो खंड गीत पढ़ा है उस खंड गीत में एक बात आपने बताई कि आज हमारे दिल का खिलौना हाथ से मेरे छूट गया, अब खेलेगी कैसे मैया खिलौना टूट गया, ये कौन लिखा है, ये लिखा था किसने लिखा जा बुला गला हूं, अब बता रहे कि या तो खेलेगी कैसे मैया खिलौना टूट गया, अरे मैया का बेटवा या बिटिया खिलौना हो, कैसे कैसे लोग लिखते हैं, तो पकड़ गया मेरे सामने, का पेश किया जाए, आज हमारे दिल का खिलौना हाथ से मेरे छूट गया, खेलेगी कैसे मैया सुनिएगा, जब तारा अपने पुत्र रोहित को लेकर के मरघट पर राजा हरिश्चंद्र के सामने, मतलब राजा हरिश्चंद्र के सामने लेकर के पहुंची, कर दिया कर जैसे कर देने के लिए तारा ने सारी थारी, परमात्मा प्रकट हो गए ऋषि विश्वामित्र के साथ,
का परीक्षा पूर्ण हो गई और वहाँ पर रोहिताज को जीवित कर दिया गया। जब जीवित हो गई, जब जीवित हो गए रोहिताज, परमात्मा का आशीर्वाद मिला। और जब परमात्मा का आशीर्वाद मिला तो ये प्रीतम कहने लगा, सुनिए क्या, अब धूपड़ी का साथ है पाया, मित्र के माध्यम से दोबारा प्रदान कर दिया। इसीलिए कहना है क्या, कहती है तारा रानी मुझे मिल नूर गया। ये आपके खंड गीत का प्रयास, आपने तारा रानी के माध्यम से कहलाया कि सब कुछ छूट गया, निकल गया हाथ से। मैंने जवाब देने का प्रयास किया कि सब कुछ वापस दोबारा आ गया। ये जवाब अब चलिए एक गीत आपके माध्यम से आया है। हो क्या तुझसे हम पर हुआ जिंदा है तो शंकर जी हुए शर्मिंदा है, शंकर जी हुए शर्मिंदा है। अब देखेगा फिर एक बात आपने कही, भोलेनाथ के सर पे गंगा है, त्रिपुरारी शर्मिंदा है, तीर न तो गंगा जी साली है, बहुत जीजा जी खुश हो गए। अब कहो बेटा, बाघंबर हुआ जिंदा है, शंकर जी हुए शर्मिंदा है, चलो ठीक है नंगे हो गए, लेकिन लेकिन गंगा ऊपर है, शंकर जी चल रहे उनका गीत है वो जाने काबिया काबिया जी लगा हुआ है इसे ऐसा प्रसंग कुछ ना कहो तीर न तुक्का चुना चुना कहा क्या के बाघंबर जिंदा है त्रिपुरारी शर्मिंदा।
पैगंबर वो जिंदा हो गया, भाग गया कहां कहां गया? सुनो प्रीतम पैगंबर बता रहा, भाग गया कहां? बाघ गला यम लोग को लेकिन आया नहीं दोबारा है। अरे वो पैगंबर जब शेर जी गले से निकले, उनकी आंख में गुलाल पड़ी, भस्मी उनके आंख में पड़ी, क्रोधित हो गए। शेर जी निकल के क्रोधित होकर के भगवान शंकर को श्राप देकर के शेर जी चले गए। और उसके बाद में जब शेर गया, वो पैगंबर गया जीवित होकर के, तो दोबारा वो भी नहीं आया। समझ में इस बात की? नंगे खड़े वो नंगे नहीं है, हम बता रहे हैं। बताओ सोचो, बाघ गया यम लोक को लेकिन आया नहीं तुम्हारा है। जिसका अब जब बाघ चला गया, शंकर जी शर्मिंदा हो गए, मतलब नंगे खड़े हैं, तो अब उन्होंने पहना क्या? अब सुनो पहना क्या? जिस जज का सर कटा हुआ था छर्मोसी का, अब जिस गज का जिस हाथी के बेटे का सर काट करके गणेश जी को जोड़ा गया था, उसी हाथी के खाल को तब से भगवान शंकर ने पहना। क्या बात है, कंठ कथन ये न्यारा है। शंकर अपनी ओर से, लेकिन साथ ये बताया आपको बड़ी खैया हो रही है, बहुत जिद्दी पार्टी है। अब देखिएगा, हम अयोध्या के आगे जा रहे हैं। जाओ का जाओ जनकपुर की ओर, गोरखपुर से भी आगे जा रहे हैं। अब गोरखपुर के आगे क्या पड़ता है? भोजपुर। गोरखपुर से आगे भोजपुर, जिसको कहते हैं भोजपुरी। अब सुनो सुनो, ये मानिया सम्मानी हमारे बड़े भैया कुलदीप भैया है, खेदियापुर निवासी, उनकी ओर से 101 रुपए का दान प्रदान है। हेलो हेलो, महारानी इंडिया के संग रहे, आशीर्वाद की कामना है। एल्बम मतलब भोजपुरी की दुनिया कह रही है, ये थी क्या है? क्या कि जहिया से चल गई ले अरे जहिया से चल गई ली, अरे छोड़ के हमके, अरे जियना भइल सुनसान हो। अरे जहिया से चल गई ले, अरे जान चल
अरे जिंदगी भर संसार ले आवा खबरिया जाए जमाना ले आवा खबरिया कैसन पाड़ू जाने हे चन्ना कैसन निकालो कर रहा युद्ध की लीला एक कुशल नाल वाला सोनू श्री सानू श्रीवास्तव जी उनके द्वारा हमारे पंकज पोते के लिए 20 रुपए का दान किया है भगवान भोले और 20 रुपए का आशीर्वाद 20 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्रदान कर रहे हैं महारानी कल्याण जी ने जय हो विधु की लीला बड़ी ही निराली बनाया कमाल का है ये सृष्टि में कोई चीज की कमी है ही नहीं लेकिन लेकिन परंतु लेकिन जहां लगे मामला गड़बड़ है अब क्या विधि की सुनिएगा एक अविवाहित 16 साल की माता बनी है चार लड़की एक समस्या है क्या हमने पहले बता दिया किंतु परंतु लेकिन जहां लगे वही खैया लेकिन सुनिएगा सुनाओ 16 सिंगार किए सजनी सम सजी है प्यार नाल भरा सोलह हो सिंगार किए सजनी सम सजी है सोलह आभूषण को वो मन रखी है We'll be right back.
तीनों गुणों से शोभित, तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों से शोभित चार वर्ण भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के मां, तीनों गुणों से शोभित चार वर्ण भाई, तीन ताप लेकर चलती चार अन्न बार तीन लोक चौदह भुवन, स्वर्ग लोक मृत्यु लोक पाताल लोक, सारे लोक में तीन लोक चौदह भुवन चार धाम पाए, चारों धाम में भी उसका अधिपति है, क्या बात है, तीन बल से सुसज्जित नीति चार चार बेटवा मतलब एक रुपए में चार चवन्नी तो चार बेटवा अंदर की बात है। ग्राम खेदिया बुरमा
दस आदमी है। हाँ हाँ ये जाओ मजा आ जाएगा। अब एक गांव बिल्कुल छोटा से है और उमा एक बुजुर्ग है बेचारे और वो कक्षा एक पढ़े कक्षा एक पढ़े। गांव वाले ये सोचे गांव के जितने भी सदस्य थे गांव के लोग थे उन्होंने ये सोचा कि दादा से ज्यादा पढ़े भाई है नहीं गांव में तो ऐसा करो इनका बना दो गांव चौधरी जैसे चंदिर का है ना कहीं कहीं कक्षा ये पढ़े और कोई पढ़ा नहीं तो कहीं इनका गांव चौधरी बनो। अब चौधरी बने अब चौधरी का मतलब युवा है कि अब उनको कोई चीज बताना चाहिए। अब जब 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 कहीं नहीं जा करो बरगद के दरबार के चेक चौपाल बनवाऊंगा और वही के नीचे चंदिर का बैठे बने चौधरी। अब जब चौधरी बने तो बता रहे हैं कहूं रेल ऐसे बनी ये फलाने ऐसे बदले चढ़ के रहा है। अब बेचारे बेचारी अनगढ़ जनता कहा जा रहा है अब बेवकूफ बनाए हैं बेचारे कहीं रेलगाड़ी ऐसे बनी रहा है पटरी ऐसे बनी रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ वही गांव का एक दमाद आ गया ऊ रहा है पढ़े ससुर कहें कहें बेटा आ गया कहीं हाँ चाचा आए तो गेन कहीं हुआ चौपाल लगी है और गांव के चौधरी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बतावत हैं ऐसा करो चलो सुनो तो कहीं हाँ चलो चली थे तो कहीं कहो चाचा जैसे कुछ बतावत है तो कहा हमें जब न समझ में आए तो पूछ सकी थे कहीं हाँ बेटा घसीटे तुम पूछ जरूर। अब चौधरी साहब बता रहे हैं ताजमहल इतने दिन में बना इतना लाख रुपया लाग ये सब जब जब भूमिका बना के चौधरी बता चुके तो घसीटे हाथ जोड़ के खड़े थे कहे चौधरी साहब नमस्कार। चौधरी बोले नमस्कार तो कहा कि एक सवाल है कहीं बताओ क्या बात है जो पूछना हो बिंदास पूछ लो मैं बहुत बड़ा ज्ञाता ठीक तो घसीटे बोले कहीं अगर आपकी इच्छा है तो पूछ ले कि कहा चौधरी बोले हाँ पूछो तो अब देखो चौधरी से घसीटे पूछ का रहे कुत्ता टेढ़ा टेढ़ा चलता सांप चले टेढ़ा टेढ़ा अगर गांव में तमाम कुत्ते हैं उनको देखिए अगर वो दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं तो टेढ़ा चल रहे हैं कुत्ता टेढ़ा टेढ़ा चलता सांप चले टेढ़ा टेढ़ा और घसीटे बोले युटा है चौधरी चौधरी बेचारे सन के घसीटे बोले चौधरी दादा कौआ गर्दन टेढ़ी कर देख रहा है कोई कोई मानव टेढ़ा देख रहा है एक आखिर बेचारे की धर कोई कोई मनई टेढ़ा देखत है भाई Yeah!
निशा जी निशा जी एक समस्या है, हमने बताया है एक अविवाहित 16 साल की माता बनी है 4 लाख